हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। क्या आप कोई लोन लेने की प्लान बना रहे हैं या आपका कोई जानने वाला लोन लेने से की प्लान कर रहा हो तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लोन सैंक्शन का एक तरीका 1 अक्टूबर 2024 से बदल रहा है। अगर आप कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या NBFC से लोन लेते हैं 1 अक्टूबर 2024 के बाद, तो आपको एक की फैक्ट स्टेटमेंट दी जाएगी। ये एक नया कंसेप्ट है, बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है। लोन लेना है तो की फैक्ट स्टेटमेंट ज़रूर समझ के जाइए। की फैक्ट स्टेटमेंट में क्या है, आपको 10 तरह की जानकारी बैंक देगा। पहला तो कितना लोन अमाउंट आपको सेंक्शन किया बैंक ने, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा उस पर, और डिस्बर्सल शेड्यूल क्या होगी, इकट्ठा पे लोन मिलेगा या किस्तों में मिलेगा, कितने समय के लिए लोन मिल रहा है, 3 साल में वापस करना है, 5 साल में वापस करना, फिर इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी, हर महीने या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट देना पड़ेगा, कब शुरू होगी इंस्टॉलमेंट और कब ख़त्म होगी, ये लिखा जाएगा। इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होगा या फिक्स्ड होगा, फ्लोटिंग मीन्स वो पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, फिक्स्ड का मीनिंग है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहेगा। इसके अलावा बैंक उसमें की फैक्ट स्टेटमेंट में बताएगा कि आपको चार्जेस कितने लगेंगे, जैसे कोई वैल्यूएशन चार्जेस, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक चार्ज करते हैं लोन प्रोसेस करने के लिए, तो वो भी की फैक्ट स्टेटमेंट में लिखा रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है APR, एनुअल परसेंटेज रेट क्या होगा। मान लीजिए लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पर ये चार्जेस भी डाल के कितना आपको APR बनेगा, हर साल का कितने परसेंट APR बनेगी, कितनी खर्चा पड़ेगा, पिनल चार्जेस लगेंगे तो किस रेट से लगेंगे, कैसे लगेंगे, फोर क्लोजर चार्जेस कितने होंगे, अगर आपका 5 साल का लोन है आप 2 साल में पे करना चाहो तो बैंक कोई उसमें कोई चार्ज करेगा, वो भी बताया जाएगा आपको। अगर आप फिक्स्ड रेट पे लोन ले रहे हो, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना या वाइस वर्सा, उसमें कितना चार्ज होगा, ये सारी चीज़ें की फैक्ट स्टेटमेंट में बैंक लिख के देगा। और इसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल होगी कि कोई भी उसको पढ़ के समझ लेगा, और बैंक आपसे एक एक्नॉलेजमेंट लेगा कि आप ये सारी चीज़ें समझ के लोन ले रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट है। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको पूरी टर्म कंडीशन शुरू में ही पता होगी कि किस टर्म कंडीशन पे लोन मिल रहा है, और अगर आपको ये लगता है कि आप 2-3 बैंकों से पूछना चाहेंगे तो 2-3 बैंकों से की फैक्ट स्टेटमेंट लेके कंपेयर कर सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे टर्म्स कंडीशन, जिसमें APR मिनिमम हो, आप उस बैंक से लोन ले सकते हैं। होप आपको ये नया कंसेप्ट समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपको इसके बारे में कोई दूसरों को ओपिनियन देना चाहे अपना, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।